हे गाइस, नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज हम करने वाले टीवीएस अपाची 200 का रिव्यू। आप देख रहे हो मेरे पीछे बाइक अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं आगवन टीवीएस आया हूँ, जो कि गांधीनगर में उनका शोरूम है। तो बहुत सारी जगहों पे उनका शोरूम है, आपको अगर टीवीएस का कोई भी व्हीकल लेना है तो आगवन टीवीएस के आके परचेस कर सकते हो। नया मॉडल आया हुआ है जो राइडिंग मोड्स के साथ आया, वो वाला मॉडल है। तो कितने मॉडल है, क्या फीचर्स है, टेस्ट राइड भी हम लेने वाले, तो क्या परफॉर्मेंस है, तो सब कुछ, मतलब कि डिटेल वीडियो है। तो वीडियो को देखते रहे, एन्जॉय कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स को और सपोर्ट कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले इसका फ्रंट लुक। तो फ्रंट लुक इसका बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव यहाँ पे कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो जो ऑल डे रनिंग लाइट है वो इस तरह से आपको दिखेगी यहाँ पे अंदर। तो जो हेडलैम्प है वो बहुत ही बड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जो नाइट राइड है उसके लिए भी आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और देखिए फ्रंट हेडलैम्प कितना वाइड है, कितना बड़ा है, और जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एलईडी फ्रंट हेडलैम्प, पूरा एलईडी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ऊपर आपको साइड लाइट इंडिकेशन देखने को मिलेगा, बहुत ही रिजिड साइड लाइट इंडिकेशन है। उसमें आपको बल्ब टाइप देखने को मिलेंगे, उसमें आपको एलईडी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये कलर ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग है। तो कलर ऑप्शन आपको 3 कलर ऑप्शन मिलेंगे, एक ब्लैक, एक वाइट और एक ग्रे कलर, ब्लू कलर, सॉरी, 3 कलर ऑप्शन के साथ आपको मिलेगा टीवीएस अपाची 200। और यहाँ पे चलते हुए तो आपको यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, मतलब कि ये बाइक ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो सकता है आपको, अगर टीवीएस की एप्लीकेशन के साथ। और यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन आप देखिए, ट्रैवलिंग काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो इस देख रहे हो हम, मतलब कि ये प्लास्टिक पार्ट है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रोटेक्टिव भी है और अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे फ्रंट मड गार्ड के ऊपर आपको टीवीएस रेसिंग लिखा हुआ मिलेगा। तो पूरा ग्लोसी फिनिशिंग में, और यहाँ पे रफ़ फिनिशिंग है, तो ग्लोसी और रफ़ का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे चलते हुए तो इस तरफ मैं बाइक की बात करूँ तो 17 इंच के आपको ट्यूबलेस टायर कंपनी इसमें ऑफर कर रही है। तो आपको इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलेगा और साथ में ABS है। तो ABS वाला मतलब कि ये मॉडल है ना, तो 4 मॉडल्स में अवेलेबल है ये बाइक। एक तो है सिंगल चैनल ABS, दूसरा है ड्यूल चैनल ABS, तीसरा है सिंगल चैनल ABS विथ राइडिंग मोड्स, और चौथा है डबल चैनल ABS, मतलब कि ड्यूल चैनल ABS विथ राइडिंग मोड्स। तो 4 मॉडल्स में आपको ये बाइक देखने को मिलेगी। तो आगे आपको 17 इंच का ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर कर रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है वगैरह, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे पीछे चलते हुए आप देखिए, यहाँ पे इस तरफ चलते हुए आप देखिए, तो यहाँ पर आपको पीछे भी 17 इंच का ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर कर रही है, लेकिन 130mm वाइड है। तो वाइड ज़्यादा होने से आपको रोड्स पे गड्ढे वगैरह कम महसूस होगा और काफ़ी अच्छा रहेगा, ग्रिप वगैरह काफ़ी अच्छी रहेगी। और यहाँ पे पीछे का सस्पेंशन है वो मोनोशॉक आपको मिलेगा। तो सस्पेंशन वगैरह तो बहुत ही अच्छा होता है अपाची वगैरह में, मतलब कि टीवीएस की कोई भी बाइक्स वगैरह ले लो, सस्पेंशन इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पे पीछे का जो टेल लैंप आप देख रहे हो वो आपको LED में देखने को मिलेगा। तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है लेकिन थोड़ा छोटा मुझे लग रहा है। और यहाँ पे नंबर प्लेट का ऑप्शन, तो नंबर प्लेट के दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे पीछे के साइड इंडिकेशन, ये मड गार्ड, और एक्स्ट्रा मड गार्ड आपको टायर के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो आपको क्या धूल वगैरह जो रहता है, मड्स वगैरह, वो आपके ऊपर सीधा नहीं आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे साड़ी गार्ड भी है अवेलेबल, तो ये खाली इंडिया की जो बाइक्स होती है उसमें ही आता है साड़ी गार्ड वगैरह। और यहाँ पे जो चैन है वो देखिए आप, ये ओपन रहेगा आपका। और यहाँ पे जो स्विंग आर्म, तो सबका क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। और यहाँ पे पीछे का फुट पैक, तो पीछे के फुट पैक में आपको रबर का ग्रिपिंग नहीं देखने को मिलेगा, ओनली एल्यूमिनियम का ये फुट पैक है वही देखने को मिलेगा। आगे के जो फुट पैक है उसमें आपको रबर का ग्रिपिंग भी साथ में देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो 200cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर आपको 20.5 BHP का है और मैक्सिमम टॉर्क आपको 17.54 न्यूटन मीटर का देखने को मिलेगा। तो इंजन आप देखिए, तो ग्लोसी और मैट फिनिशिंग में। और यहाँ पे अंडरबेली, तो अंडरबेली बोल सकते हो और इंजन प्रोटेक्टिव गार्ड भी बोल सकते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो छोटा सा लेग गार्ड भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे फ्यूल टैंक के ऊपर आपको देखिए जो ग्राफिक्स है वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे RTR लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे TVS का लोगो मिलेगा, तो बहुत ही खूबसूरत लोगो है। आप देखिए यहाँ पे जो 3D लोगो है,
और यहाँ पे अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ तो आपको इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल रहा है, तो बहुत ही बड़ा फ्यूल टैंक है। तो अगर सीट्स की बात करें तो आगे के सीट और पीछे का सीट दोनों अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है, तो स्प्लिट सीट्स के साथ आपको ये बाइक मिल रही है। तो यहीं से आप ओपन भी कर सकते हो, पीछे का सीट भी ओपन हो जाएगा, आगे का भी ओपन हो जाएगा, चाबी से ही आपको दोनों तरफ का हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको RTR 204V लिखा हुआ मिलेगा, बाइक का बेंचमार्क। खूबसूरत बाइक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अभी इसको उस तरफ, इस तरफ का लुक मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरफ थोड़ा धूप कम है तो इसे घुमा देते हैं बाइक को, और इस तरफ देखते हुए आप देखिए यहाँ पे जो अपाची बाइक का जो ब्रांडिंग हो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, जो बैटरी कंपार्टमेंट जो है वहाँ पे। और आप देखिए इस तरफ का पूरा सेटअप यहाँ पे आप देख रहे हो। इंजन बहुत ही बड़ा है, 200cc का इंजन आपको मिलने वाला है। तो पावर पिकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए कैटालिक कन्वर्टर के साथ आ रहा है पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे तो बाइक अभी मैं चलाऊँगा और उसका राइड रिव्यू भी करता हूँ आपके साथ शेयर। तो आप यहाँ पर देखिए तो फिनिशिंग वगैरह काफ़ी अच्छा है, इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, तो डिस्क ब्रेक के साथ आपको ABS में, तो ये गाड़ी है तो ये ड्यूल चैनल ABS के साथ है और साथ में राइडिंग मोड, मतलब कि ये टॉप एंड एंड वाला मॉडल है हमारा। अब देखिए खूबसूरत बाइक लग रही है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो हैंडल बार वगैरह की बात हम बाइक चलाते चलाते करते हैं, तो चलिए सबसे पहले मैं इसका है ना आपको साउंड सुनाता हूँ एक बार। आप देखिए बहुत ही ज़बरदस्त साउंड है इसका, एकदम पावरफुल साउंड आ रहा है। अब देखिए बहुत ही ज़बरदस्त साउंड है भाई, फायरिंग वगैरह भाई साहब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मुझे लग रही है। तो चलिए जल्दी से अभी इसका टेस्ट राइड लेते हैं अपने। तो यहाँ से फटाफट से पहले बाइक को बाहर निकाल लेते हैं अपने मेन स्टैंड से उठा के। तो सीट हाइट 800mm है तो काफ़ी अच्छा है, वैसे वो ज़्यादा हाइट नहीं है, लेकिन शॉर्ट राइडर हो गए तो आपको ज़रूर तकलीफ़ होने वाली है। और अगर तो चलिए पहले फटाफट से अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ आप देखिए, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मल्टी कलर में होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पर इतने सारे पैसे ले रहे हैं तो मल्टी कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज़रूर होना चाहिए, और थोड़ा बड़ा होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। बहुत ही छोटा है तो यहाँ पे आपको टैकोमीटर मतलब कि RPM दिखाएगा, यहाँ पे स्पीड दिखाएगा, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे गियर नोटिफिकेशन है, यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट होता है तो उसी का भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। बाद में आ रहा है अर्बन मोड, और तीसरा हमारा है स्पोर्ट्स मोड, और फिर से आ गया हमारा रेन मोड। तो तीन मोड के साथ ये बाइक अवेलेबल है, तीनों में अपने चलाएंगे और देखते हैं कितना मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, कि ऐसे ही कंपनी ने ये मोड्स वगैरह दे दिया है। तो यहाँ पे आपको एक इंजन किल स्विच मिलेगा, एक मोड का बटन है और साथ में एक लाइट का भी इंडिकेशन का है, और साथ में यहाँ पर एक सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिलेगा। और इस तरफ चलते हुए तो हाई बीम लो बीम करने के लिए पासिंग का लाइट, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेटिव बटन यहाँ पे दिया हुआ है जिससे आप मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, और यहाँ पे साइड लाइट इंडिकेशन और एक हॉर्न का स्विच। तो हैंडल बार इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हैवी लग रहा है और काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही बड़ा हैंडल बार है। और इसके जो साइड लाइट साइड ग्लास मिरर है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए अभी जल्दी से इसको चालू करते हैं और चलाते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अपाची का। तो अभी हम लोग चला रहे हैं अर्बन मोड में, अभी उसको स्पोर्ट्स मोड में हम चेंज करेंगे, बाद में देखता हूँ कि ऐसा आने से क्या होता है। तो तीसरे गियर में ये बाइक ज़बरदस्त पिकअप ले रही है अभी फटाफट से मेरे बाइक। स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ बाद में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। और यहाँ पर अगर मैंने टर्न लगाया तो बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लगा, तो जो सिटिंग पोस्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो फ्यूल टैंक है उसका डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छा है। देखिए 12 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसमें मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं देखता हूँ कि चालू बाइक में इसके मोड चेंज होते हैं या नहीं।
ओके चालू बाइक में ही इसका मोड चेंज हो गया है, तो अभी मैंने फर्स्ट में डाला। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे नए नए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ। आप देखिए अपाची बहुत ही फाड़ू बाइक लगी मुझे, और प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी है 200 cc की सेगमेंट में। ये बहुत ही अच्छा चॉइस रहेगा आपके लिए अगर आप बाइक लेना चाहते हो। अगर आप मेरा वीडियो या गांधीनगर, अहमदाबाद या मेहसाणा या मोड़ासा वगैरह जगह से देख रहे हो गुजरात में, तो आप आगवन TVS आ सकते हो। आगवन TVS में आपको बहुत सारी मल्टीपल चॉइस मिल जाएगी। आप देखिए स्कूटर रेंज भी इनके पास सभी अवेलेबल है, और बाइक्स में भी सभी बाइक्स अवेलेबल है। तो कलर्स वगैरह ऑन स्टॉक मिल जाएगी, आपको बैंक्स वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। लोन का भी आपको यहीं से ऑफर मिल जाएगा। साथ में अगर आपको एक्सचेंज करवाना है तो उसके लिए भी आपको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिए आगवन TVS। तो चलिए मिलते रहेंगे, टाटा टेक केयर, बाय बाय।